दूसरा फिर ये है कि जादू हजरत सुलेमान को फिर कहा गया कि इस आयत में जो हमें मिलता है कि हजरत सुलेमान की डिफेंस करें खुदावंद, खुदा ताला हजरत सुलेमान का डिफेंस में आ रहे कि सुलेमान काफिर नहीं थे। यानी शयातीन के जो लोग थे जो जादूगर थे वो ये कहते थे कि हजरत सुलेमान भी एक बड़े जादूगर हैं। इसका मतलब यानी वो उनके ऊपर एक बोहतान लगा रहे थे, एक तोहमत लगा रहे थे कि हजरत सुलेमान भी जादू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कुरान इस चीज को बातिल कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, सुलेमान काफिरों में से नहीं थे। तो इधर ये भी समझ आ रहा है जादू करता है जो सहर व जादू करते हैं वो काफिर है, यानी जो ये काम करता है वो कुफर के दायरे पर आ रहा है। अब इससे ये समझ आ रहा है कि हमें मेरी आवाज आ रही है लगता है उनका इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। आपको मेरी आवाज आ रही है? बात हो रही है सहर और जादू के, वजह से भी फरमाया कि हर जमाने में ये चीज रही है, क्योंकि हर जमाने में नेगेटिव और पॉजिटिव रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना कि इस्लामी मुमालिक में ऐसे कैसे होता है। तो जी जी जी, जैसे मैंने बताया कि हर जमाने में इस तरह की मसाइल चलते रहेंगे, आखिर जमाने में भी कुफार वाले लोग होंगे कि जो अपने शैतानी काम में करते हैं, जब तक शैतान है ये प्रॉब्लम रहेगी। तो ये एक समझ आना चाहिए नाजरीन को, मोमिन मोमिनात को, कि जब हजरत सुलेमान की हुकूमत में इस तरह के काम हो रहे हैं तो आखिर जमाने में भी यही हो रहा होगा। इसके साथ साथ कुरान के अंदर, इस सूरे के अंदर, इस आयत के अंदर हजरत सुलेमान पे शयातीन और जो जादूगर हैं तोहमत लगाते हैं कि हम हजरत सुलेमान से ये सब कुछ सीखा है। तो इस आयत के अंदर ये आ रहा है कि नहीं, हजरत सुलेमान कुफ्फार में से नहीं थे। तो इसका ठीक मतलब है। है कि जो काफिर लोग हैं यानी जो ये जादू करते हैं, जो सहर करते हैं, वो काफिरीन में से हैं, यानी इस अमल को कुफर के मुकाम पे ठहराया गया है। अब ये